तो आज हम लोग बात करते हैं अमाइन चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, एनसीईआरटी की। एंड ये 4 नंबर का चैप्टर आता है। क्या करें कि 4 में से मतलब थोड़ा सा भी नंबर ना करें, 4 से 5 नंबर का हो सकता है अलग अलग बोर्ड्स के अंदर। ठीक है, मतलब इनको कर लेना भाई, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये सिलेक्टेड से टॉपिक है। इन टॉपिक्स को करने में आपको गिन के मैं बोल रहा हूँ कितना टाइम लग जाएगा, 3 घंटे लग जाएंगे। 3 घंटे में 4 नंबर क्या चाहिए, ऐसे तो 60 घंटे में 60 नंबर। चलो कर रहे हैं स्टार्ट। बेटा जी, अमाइन के लिए सबसे जरूरी जो टॉपिक है, जिसको आप सबसे ज्यादा टाइम दोगे, दैट इज बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन। सबसे ज्यादा जरूरी है, कोई भी बोर्ड हो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आई होप आपको पता है। अच्छा, ये आप अमाइन चैप्टर को कैसे भी कर सकते हो, बहुत आसान तरीका है, इसका वन शॉट देख लो। वन शॉट में आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। ठीक है, सिर्फ वन शॉट है, 1-1.5 घंटे का, जितनी भी देर का है। उसके बाद जो जो टॉपिक बोल रहा हूँ उन पे ज्यादा ध्यान दे लेना। और हाँ, अगर आप चाहो तो ना, मतलब इसके नोट्स हैंड रिटन कलर्ड नोट्स बहुत बढ़िया कैट बनाए हुए हैं मैंने, वो आप लोग ले सकते हो। क्या है, सिर्फ 50 रुपीज लगेंगे। पेटीएम कर देना किस नंबर पे, 8950499662, और मैं आपको सेंड कर दूंगा इसके नोट्स। बहुत ही फायदे मैंने, 15 रुपए खर्च कर लो, कुछ नहीं जाएगा। एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चन देखोगे? अच्छा, पहले नेम रिएक्शन, पहले बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस पे सबसे ज्यादा ध्यान दोगे। उसके बाद नेम रिएक्शन, कौन कौन सी नेम रिएक्शन है जो आपने करनी है, गैब्रियल थैलीमैटोसिंथेसिस, होफमैन ब्रोमोमाइड, कार्बाइल अमाइन, डायज़ोटिजेशन रिएक्शन एंड कपलिंग रिएक्शन। इनमें से ये कपलिंग और कार्बाइल अमाइन, ये तो टेस्ट में भी काम आती है। ठीक है, टेस्ट कौन कौन से हैं चैप्टर में सबसे फेमस, हिंसबर्ग टेस्ट एंड कार्बाइल अमाइन टेस्ट, और एक कपलिंग रिएक्शन भी आ जाती है। ठीक है, वो भी एक टेस्ट का काम कर देती है। वो जब आप पढ़ोगे, हिंसबर्ग टेस्ट किसका मतलब, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को डिस्टिंग्विश करने में, कार्बाइल अमाइन किस में आता है, एलिफेटिक एरोमेटिक में, कपलिंग भी इसी में, बाकी कार्बाइल अमाइन प्राइमरी अमाइन के लिए होता है, सॉरी। एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से देखने हैं, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.7, 13.8, 13.9, सर इतने क्वेश्चन क्यों बता रहे हो? इतने क्वेश्चन से आपको सब कुछ हो जाएगा भाई, जितने कन्वर्जन बनते हैं। देखो, कुछ भी करोगे ना, बेसिक कैरेक्टर के बाद सीधी नेम रिएक्शन करना, सीधी नेम रिएक्शन, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाना, आपको बहुत आसान लगेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, सारे के सारे कन्वर्जन यही वाले करने जितने इसमें लिखते हैं, उससे अलग कुछ नहीं करना। तो बस यही है अमाइन चैप्टर, बढ़िया से नोट्स चाहिए तो लो। ठीक है, नेम रिएक्शन भी ट्रिक करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जो भी है एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिंक आपको मिल जाएंगे। ये एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट नोट चाहिए, जस्ट 50 रुपीज पेटीएम करने इस नंबर पे और नोट्स ले लेना। थैंक यू सो मच, बाकी सभी चैप्टर्स भी करते हैं ऐसे ही।